कर देता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, देखो रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, बट बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने के पहले बट ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। पहला क्या हुआ है, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स क्या किया प्रोप्राइटर, टेक ओवर किया है मतलब वो विड्रॉ किया है फॉर अ गिफ्ट ऑफ हिज सन, अपने सन को गिफ्ट देने के लिए, रिकॉर्डेड एट नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, मतलब कौन सा गलती बता दो, एयर ऑफ ऑमिशन, ये रिकॉर्ड ही नहीं किया। अच्छा ये रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ऐसे खत्म हो जाएगा, ये बात बताओ रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे, इसका एंट्री क्या होना चाहिए, गुड्स यदि टेकन ओवर कर रहा है तो पहली बात तो ड्रॉइंग्स होगा, तो ड्रॉइंग्स को तो डेबिट करेंगे पक्का, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, फाइनल अकाउंट पढ़ के आ रहे हैं, बैठ जाओ, यदि कैश रहता तो कैश लिखते, गुड्स रहेगा तो क्या करेंगे, गेट बंद कर, क्या होगा परचेस, एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, गुड्स जब भी हम लोग विड्रॉ करते थे याद करो हम लोग परचेस से लेस करते थे, वही परचेस डेबिट होता है क्रेडिट का, एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, ये 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाँ आओ जल्दी करो, पहला एंट्री क्या है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज क्यों किए, क्योंकि गुड्स विड्रॉ किया है। सेकंड एंट्री देखो क्या बोल रहा है, 5,000 पर रिसीव फ्रॉम द बबलू अगेंस्ट डेट्स प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, अब इसका मतलब पहले बताओ, पहले बताओ बैड डेट रिकवरी का एंट्री क्या होता है, हाँ राइट एंट्री क्या होता है, रुक जाओ रुक जाओ, इसको ले लेते हैं, बैड डेट रिकवरी का एंट्री क्या होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 का पार्ट नंबर 2, बैड डेट रिकवरी का एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, ये राइट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या पास किया है, ये देखो रॉन्ग एंट्री क्या पास किया है, बोल रहा है बबलू प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट, ठीक है, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, उसको हम लोग क्रेडिट कर दिए, वो क्या एंट्री पास किया है, ऐसा पास किया, देखो बैड डेट रिकवरी तो लिखा ही होगा, कुछ नहीं बोला तो ये तो पक्का किया होगा, कुछ नहीं बोला तो कैश भी पक्का किया होगा, बोला था ना लास्ट क्लास हम रेक्टिफिकेशन वेयर्स का एक ही रूल है, कुछ नहीं बोला है जिसके बारे में समझ लो सही है, जो बोला है वो गलत है, क्या गलत है, तो बोल रहा है कि क्रिएट कर दिया किसको, बबलू को क्रिएट कर दिया है, गलती क्या है, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये बैड डेट रिकवरी के बारे में क्या बोला, देखो अगर सिर्फ बबलू लिखता ना तो चेक यहीं पे खत्म कर देते, बट क्या लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट का मतलब ये हुआ कि अब पर्सनल अकाउंट का मतलब ये हुआ कि उसके खाते में रिकॉर्ड किया, इसका मतलब बैड डेट रिकवरी को रिकॉर्ड नहीं किए, सिर्फ नाम लिखता ना कि बोलता है कि बबलू इज क्रेडिटेड बस, तो हम लोगों का जो हम लोग अभी किए थे वो था, क्या बोला है पर्सनल अकाउंट में उसको क्रिएट कर दिया गया, तब हम लोग क्या करेंगे समझ लेंगे क्रिएट सेंड सिर्फ वही आइटम, ठीक कैसे करें, गलती पहले ढूंढो, पहला गलती देखो कैश अपने जगह पे सही है कुछ नहीं करेंगे, पहला गलती ये है कि सर बैड डेट रिकवरी को क्रेडिट करना चाहिए था नहीं किया है, कर देते हैं बार बैड डेट रिकवरी, दूसरा गलती बबलू को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था कर दिया, ठीक कैसे करेंगे डेबिट करके, बबलू जो कि डेटर्स है, एंट्री क्या होगा, बबलू डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, एंट्री कर बबलू डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, ठीक है ये राइट था क्या, पॉइंट नंबर 2 किसी का राइट था, चलो पॉइंट नंबर 1 किसी का राइट था, चलो पॉइंट नंबर 3, हाँ चलो अ चेक रिसीव फ्रॉम आशीष, एक चेक रिसीव किया, किया हम लोग कहां से,
आशीष से, जो आशीष कौन था, आशीष एक गेटर्स था जिससे हम लोग 4,000 पाते हैं, हम लोग उससे चेक रिसीव किए और हम क्या किए अपने पर्सनल खाते में जाके डिपॉजिट कर दिए। देखो पर्सनल खाता का मतलब ये होता है, देखो एक बंदा का अपना पर्सनल अकाउंट होता है जिसको सेविंग्स बैंक अकाउंट बोलते हैं और एक बिजनेस का अकाउंट होता है ना। तो हमको चेक मिला मेरे कस्टमर से, तो मेरे को पहले करेंट अकाउंट में डालना चाहिए था क्योंकि मेरे बिजनेस का इनकम है वो। हम क्या किए उसको पर्सनल अकाउंट में डाल दिए, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बिजनेस का पैसा पर्सनली निकाल दिए। ड्रॉइंग से ये तो क्या ड्रॉइंग्स है, हाँ ड्रॉइंग्स है। अब हुआ क्या है देखो, ड्रॉइंग्स तो है, हुआ क्या है डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए इसमें इंटू द पर्सनल अकाउंट ये। तो एक बार बताओ ड्रॉइंग्स एंट्री क्या होता है, पहले ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दे, ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दे क्या, ड्रॉइंग्स किया कितने रुपए का ड्रॉइंग्स किया है, 4,000 का ड्रॉइंग्स किया है। और साथ ही साथ मेरा एक ग्रेटर्स था जो मेरे को 4,000 रुपया दे दिया है, मतलब मेरा ग्रेटर्स क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो ग्रेटर्स को क्या कर देंगे एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। उतारो, ये था अब तक पूरा 2019 का क्वेश्चन, 4 ही पॉइंट था, अच्छा अच्छा पॉइंट था, ठीक है।